हम आर पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। देखिए जो आपकी जीके की बुक है इसका नेम क्या है, जीके प्लैनेट, और इसका टर्म 1 का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे थे। टर्म 1 में हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर ली थी, दैट इज चैप्टर नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, है ना। जो यूनिट नंबर 4 है इस यूनिट का नेम क्या है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। और इस फोर्थ यूनिट में सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर नंबर 13 द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, है ना, विच इज ऑन पेज नंबर 20-21। तो देखो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है इसका एक बार और नेम पढ़ते हैं, द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, उन्हीं में से एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इससे रिलेटेड कुछ बात है ये आपको ये खुद से रीड करनी है, ठीक है, या आप खुद से इसको पढ़ेंगे और इससे काफी नॉलेज मिलेगी आपको। हम सीधा करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नेम द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये क्वेश्चंस हमें इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। देखो ये जो हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना इसमें काफी सारी कंट्रीज हैं, तो इस जैसे एशिया जो हमारा हम किस में इंडिया किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया। चाइना किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया। पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया, ठीक है। तो एक एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें सारी बहुत सारी कंट्रीज आती है। सिमिलरली अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है उन सारी कंट्रीज में से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जिसमें लोग रहते हैं या फिर सबसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उस कंट्री का नेम बताना है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका जो नेम है ये हमारा नाइजीरिया। क्या नेम है, नाइजीरिया। तो NIGERIA, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी नाइजीरिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, क्लियर। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। सो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है उसका नेम बताना है हमारे लिए। तो उसका नेम है, देखो थोड़ा सा बड़ा नेम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इधर पे मैं लिखता हूँ DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, CONGO, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नाउ द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट व्हाट इज रिटन ओवर इट, द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, है ना। तो वो है हमारा देखो कौन सा, माउंट किलिमंजारो, माउंट MOUNT, माउंट KILIMANJARO, माउंट किलिमंजारो। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ का देखते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी जो रिवर है ये तो हमारी वर्ल्ड की भी सबसे लंबी रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की भी हमारी नाइल रिवर। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे लंबी जो माउंटेन पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उसका नेम बताना है हमारे लिए। तो यह है हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो यह है कीबो। जस्ट वन मिनट, कीबो, I am writing here KIBO, which is of 5,895 meter. इतनी लंबी है ये, ठीक है। माउंटेन पीक समझते हो ना, जो हमारी माउंटेन है वो सबसे ऊंची वाली जो उसकी पीक रहती है वो कितनी ऊंचाई पर है, सबसे ऊंची है ना पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसके बाद देखते हैं द लार्जेस्ट लेक। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो ये लेक विक्टोरिया, LAKE, विक्टोरिया, VICTORIA, विक्टोरिया, जो कि केन्या में, कहाँ पर है, KENYA, केन्या में, केन्या में, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है ना, तो उन बहुत सारी कंट्रीज में भी केन्या जो कंट्री है उसमें है ये हमारी लार्जेस्ट लेक। तो देखो हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी देखो साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया। जैसे एशिया में इंडिया लाई करता है इसलिए अफ्रीका में साउथ अफ्रीका लाई करता है, तो
उसकी एक कंट्री इन्होंने उठा ली है, उससे हमें क्या दिए हैं इसके बारे में कुछ बताया है। और साउथ अफ्रीका आप जानते भी होंगे क्रिकेट अगर आप देखते हो, तो देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें देखो क्या लिखा है, नेम दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका। ये कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज है साउथ अफ्रीका की, इनके हमारे लिए क्या दिया हुआ है, फेस दिया हुआ है, इसका नेम लिखना है हमारे लिए। तो जो सबसे पहला जो नेम है इसका नेम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसकी मैं स्पेलिंग लिखता हूँ CHRISTIANTAA, है ना, BERNARD, क्रिश्चियन बर्नार्ड। सेकंड जो है ये है हमारे नेल्सन मंडेला, NELSON MANDELA, नेल्सन मंडेला। और जो थर्ड है वो है हमारे थैबो मेम्बेकी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, और इस तरीके से हो गया हमारा क्या चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को।